तबहा ढूंढा, पुकारा तुझे शाम 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 को, खुद से ज्यादा लिया है तेरे नाम 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 को। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिट्टू की टेक। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हम कमाल का वीडियो एडिटिंग लेकर आ चुका हूं, जो कि इंस्टा रील्स पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप भी बना चाहते वीडियो का एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, सिंपली ये वीडियो बनाने के सिंपली अपने एलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। तो जो पीसर का लिंक होगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेक्स्ट पीसर का, तो उसमें पासवर्ड देखने को मिलेगा। मटेरियल कैसे डाउनलोडिंग करना है रिसेंट में जो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर वीडियो है उसको देख करके मटेरियल आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह का वीडियो बनाने के सिंपली अपने मोबाइल में एलाइट मोशन कर लेना ओपन। इसका जो लिंक होगा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो इसको ओपन करते हैं। उसका प्लस पे टाइप करते हैं, 9216 का सिलेक्ट करेंगे, 1000 CP, उसका क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, प्लस पे टाइप करेंगे, मीडिया पर जाते हैं, उसके बाद सॉन्ग ऐड करते हैं। सॉन्ग ऐड करने वीडियो सॉन्ग निकालेंगे, डॉट पे क्लिक करते हैं, स्ट्रेक करते हैं, स्ट्रेक करने के बाद वीडियो को डिलीट करते हैं, सॉन्ग हो गया है। सॉन्ग और ऐड हो जाएंगे, फिर से प्लस पे टाइप कीजिए, मीडिया पर जाइए, उसके बाद इस वाला PNG वीडियो होगा जिसको डाउनलोडिंग कर लेना। कैसे मटेरियल डाउनलोडिंग करना, टेलीग्राम चैनल पर वीडियो मिलेगा। इस वाले वीडियो को हम इंपोर्ट करते हैं, प्लस पे टाइप करते हैं, इसको हम वीडियो पे टाइप करते हैं, कौन सा डॉट पे क्लिक करते हैं, फुल करते हैं। फुल करने के बाद इस पर आपको जो ये जो इफेक्ट इसका जो है कलर है, इसको हटाने के लिए सिंपली एयर इफेक्ट पे जाइए। यहाँ पे हम क्रोमा की है, मिट्टी मार्क्स की में जाना है, फर्स्ट नंबर क्रोमा की है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इस कलर पर टाइप कीजिए। यहाँ पर आपको इस वाले जो है ये इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कलर आपको, और इसको इन पूरा इंक्रीज कर लीजिएगा तो ये कलर आपको हटा देगा। तो ये हट गया है कलर। अब सिंपली आप सिंपली दूसरा कलर हटाने के लिए सिंपली इसको डुप्लीकेट कीजिए। डुप्लीकेट करने के बाद सिंपली इस पर टैप कीजिए, उसके बाद यहाँ पे पेंसिल आइकन पे जाइए, रेड कलर को हम हटाना चाहते हैं तो इस रेड कलर पे सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये हट गया है कलर। उसके बाद आपको पिक ऐड करना, पिक ऐड करने के बाद मीडिया पर जाइए, उसके बाद यहाँ पे जहाँ भी आपका पिक है उसको डाउनलोडिंग, तो उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पिक ऐड हो जाने के बाद सिंपली इसको पिक को नीचे करते हैं, तो इस वाले PNG के नीचे। उसके बाद आपका जो पिक कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे पिक रखूँगा, तो यहाँ पे रखूँगा। इसको जूम कर लेते हैं कुछ इतना पे, यहाँ पे रख लिया हूँ। उसके बाद सेकेंड पिक ऐड करना, प्लस पे टाइप किए, मीडिया पर जाते हैं, सेकेंड पिक आप जो भी ऐड करना चाहते हैं वो रख लीजिए। तो हम फिलहाल के लिए आपको सेकेंड पिक ऐड कर लेते हैं, इसको हम ऐड करते हैं। और इसका जो ये है इसको हल्का छोटा करते हैं इस वाले डॉट से, उसके बाद इस पर फिर से टैप करते हैं, इसको हम ऊपर रखेंगे। तो ऊपर रखने के लिए सिंपली तो इसको इस वाले पिक को नीचे रख लेना है सेलेक्ट करके, उसके बाद इस पर ये यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। आपका जो भी फेस दिखाना चाहते हैं वो रख देख लीजिएगा, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सिंपली इसको और नीचे करते हैं। तो नीचे करने के बाद ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। सेट हो जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे फिर से थर्ड पिक ऐड करना है। तो थर्ड पिक जिस भी पिक पे देना चाहते हैं, हम फिलहाल भी थर्ड पिक ऐड कर किए थे कौन सा भी, तो थर्ड पिक मेरा ये था। इसको सेलेक्ट करते हैं, प्लस पे टाइप करते हैं, और उसके बाद इसको भी आपको नीचे रख लेना, तो इसको नीचे रख लेते हैं। तो इतना पर रख लेते हैं, PNG का सिर्फ PNG के नीचे रखना है इसको, तो इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, इसको और साइज बढ़ा देते हैं और यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। तो ये हो गया है सेट। आपको इसको भी एंड तक पूरा कर लेना है, जहाँ तक आपका PNG है तो वहाँ तक कर लेना है। तो सॉन्ग के मुताबिक जहाँ तक पिक को सारे एंड तक कर लेते हैं। तो एंड तक हो जाने के बाद सीधा आपको आपको पिक पर इफेक्ट देने के लिए सिंपली मूवन ट्रांसफॉर्म में जाइए। तो मूवन ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद सिंपली आप कौन सा पार्ट आप दिखाना चाहते हैं, पहले यहाँ एंड वाला पार्ट आ जाना है, यहाँ पर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आ जाना है। उसके बाद इस पर टैप कीजिए, आपका 10 सेकेंड के आसपास आ जाना है, 10 सेकेंड के यहाँ पे बीट देते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन देते हैं, उसके बाद इसको स्क्रॉल करते हुए आपका यहाँ पे कर लेना है, तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे 20 सेकेंड के आसपास आ जाना है, तो वहाँ पे बीट देते हैं, उसके बाद इसको आपको इधर इधर स्क्रॉल कर लेना, तो ये कट रहा है, ये लाइन से बाहर नहीं दीजिएगा, रेड लाइन से, तो ये हो गया। उसके बाद 30 सेकेंड के आसपास आ जाना है, 30 सेकेंड के आसपास इसको इधर कर लीजिएगा, तो ये ऐसे रूटेड होते हुए जाएगा। तो उसके बाद सेकेंड में भी सेम प्रोसेस करेंगे, सेकेंड में जो इधर हम डाले हैं पिक इधर से आ रहा है इस साइड से, तो अगर इस साइड से हम देंगे इसमें, तो इसमें टैप करते हैं इसको हम, तो इधर कर लेते हैं,
तो इधर हम करते हैं इस साइड से, इधर कर लिए पिक, इस पर प्लस आइकन देते हैं, उसके बाद 10 सेकेंड के आसपास आ जाते हैं, उसके बाद इसको हम इधर करते हैं, तो इधर कर लिए, तो इधर कर लेने के बाद सीधा आपको 20 सेकेंड पर आ जाना, फिर से आपको राइट साइड कर लेना, तो राइट साइड हम कर लेते हैं, लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन में आपको एडिट करना है, उसके बाद यहाँ पे 30 सेकेंड पर आ जाना है, और ये इधर है, फिर से राइट साइड इसको कर लीजिए, तो राइट साइड हम कर लेते हैं, तो ये हो गया, उसके बाद ये जो है कट रहा है, तो हो गया ये कंप्लीट। तो हो जाने के बाद सिंपली आपको 1 नंबर वाला जो पीक है उस पर हम उसको भी कर लेते हैं, तो ये कैसे आ रहा है, तो ये ऐसे आ रहा है, ये सेम नहीं हुआ, तो सेम नहीं हुआ तो उसके लिए सिंपली आपको इस वाले पीक पे जाएंगे, उसके बाद ये हम एक ही, तो उसके लिए सिंपली आपको ये जो पीक हम इधर से दे दिए थे, हम इधर से आपको देंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आ जाना है, उसको आपको इधर कर लेना, तो इस साइड कर लेते हैं, उसका फिर से आप जाना इस पे आना है 20 सेकेंड पे, फिर आपको इधर कर लेना है, तो इधर राइट साइड लेफ्ट साइड करके पिक ऐड करेंगे, तो ये हो गया, फिर 30 सेकेंड पे आ जाना, फिर से इधर आपको कर लेना है, तो ये हो गया, कुछ इस तरह से आपका पिक दिखाई देगा, एक लाइन इधर से आएगा पिक, एक लाइन इधर से जाएगा, तो उससे हो जाएगा, उसके बाद सिंपली इस पर टैप करते हैं 1 नंबर पर, 1 नंबर को आपको फिर से प्लस आइकन देना है, उसके बाद जो पार्ट आप दिखाना चाहते हैं तो उसको आपको इस पे यहाँ पे प्लस आइकन कर लेना है, उसके बाद 10 सेकेंड पे आ जाना है, 10 सेकेंड पे आ जाने के बाद सिंपली इसको इधर स्क्रॉल कर लीजिए, उसके बाद फिर 20 सेकेंड पे आ जाना है, फिर इसको इधर स्क्रॉल कर लीजिए, उसके बाद फिर 13 सेकेंड पे आ जाना है, फिर इसको इधर स्क्रॉल कर लीजिएगा, तो ये कर लेने के बाद सीधा आपको देखिए किस तरह से पीक बनेगा, तो ये हो गया, तो ये ऊपर से इधर आ रहा है ये वाला पीक, और ये पीक इधर जा रहा है, फिर ये पीक इधर जा रहा है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ये राइट साइड जा रहा है, फिर ये लेफ्ट साइड जा रहा है, इसे ऐड कर लेना है पिक को, तो उसके बाद यहाँ पे आपको लिरिक्स लिखने के लिए सिंपली आपको बैक आई इस वाले पी सेट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन पासवर्ड दिया होगा, इसको ऐड कर लीजिएगा, इस पर टाइप करते दोनों पी सेट को हम कॉपी करते हैं, तो कॉपी कर लेने का सीधा बैक आते हैं, बैक आ जाने का इसी में फिर से जाते हैं, आपका जो भी लिरिक्स है उसको यहाँ पे पेस्ट पहले कर लेते हैं, पेस्ट करने के बाद सीधा यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको एडिट कर लेना, तो लिरिक्स आपका जो भी होगा उसको एडिट कर लेते हैं, हम एडिट कर लेते हैं, तो एडिट कर लेने के बाद सीधा आपको यहाँ पे कुछ दे देना है, ये वाला सिंबल दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे फिर सिंपली सेकंड लिरिक्स आपका ये है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए, इसमें भी आपको एडिट कर लेना है, तो एडिट कर लेने के बाद सीधा आपको फर्स्ट वाले को कॉपी कर लीजिएगा, तो कॉपी कर लेने के बाद सीधा आपको आपको थर्ड लिरिक्स कहाँ पे है इसको पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कर देते हैं, और थर्ड लिरिक्स आपको यहाँ जो भी है लिख लीजिएगा, जो अपने अनुसार जो भी आपका लिरिक्स होगा सॉन्ग के मुताबिक लिख लीजिएगा, तो लिख लेते हैं हम, लिख लेने के बाद सिंपली आपको बैक आना है, उसके बाद सेकेंड को कॉपी कीजिए, उसके बाद आपको फोर्थ लिरिक्स लिख लेना, तो फोर्थ लिरिक्स हम लिख लेते हैं, इसी प्रोसेस आपको एंड तक पूरा लिरिक्स लिख लेना है, तो लिख लेने के बाद सीधे आपका लोगो है तो लोगो इंपोर्ट करके आप कहीं भी रख सकते, इंपोर्ट कर लीजिएगा जो भी आपका चैनल का लोगो होगा, नहीं तो हम लोगो कैसे इंपोर्ट करते हैं, सिंपली आपके पास लोगो नहीं है तो हम ये एक शेप लेते हैं ऐसे, तो छोटा सा शेप लेते हैं एकदम छोटा, इतना पे इतना लेते हैं शेप, इसको हम छोटा कर लेते हैं शेप को, तो इतना छोटा रखते हैं, और उसके बाद इसको पेक आते हैं, सीधा आपको यहाँ पे एक या लिरिक्स लिख लेना है आपका जो भी नाम होगा, तो हम लिरिक्स लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं, उसके बाद इस वाले फ़ोन को चूज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसका कलर ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक लेने का मोहन ट्रांसफॉर्म में जाके इसका जो साइज है फ़ोन का और कम कर देते हैं, तो कम कर देने के बाद कुछ इतना पर रख लेते हैं, उसके बाद इस पर टैप करते हैं लिरिक्स पे, एड इफेक्ट पे जाते हैं, फिर से एडी पर जाते हैं, यहाँ पे टेस्ट ट्रांसफॉर्म स्पीकिंग है, तो सॉरी स्पीकिंग है, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसका जो है स्पीसिंग है इसको इंक्रीज कर दीजिएगा, तो इंक्रीज कर लेते हैं, तो इतना पर रख लेते हैं इंक्रीज, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, इसके बाद ये छोटा हो रहा है चल रहा है, इसको इना कर लीजिए, और इसको मूवन ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पर सेट कर लीजिए, सेट कर लेने के बाद सीधा ये आपका जो होगा लोगो बन के रेडी हो जाएगा, सिंपली आपको इस पर टैप कीजिए, इसको आपको ग्रुप बना लेना, तो ग्रुप बनाने का आपका लोगो कुछ इस तरह से बन जाएगा, तो आपका जो भी जहाँ तक लोगो है वहाँ तक रख लीजिए, उसके बाद जहाँ पे रखना चाहते हैं, जैसे फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रखूँगा लोगो, तो यहाँ पे रखूँगा, इसको छोटा कर लेते हैं, अगर कलर चेंज करना चाहते हैं सिंपली आपको यहाँ पर जो भी ब्लैक लेते हैं ये चेंज हो जाएगा, तो कलर चेंज हो गया,
इसी तरह से लोगों ये बन जाएगा सिंपल टाइप में। तो फ्रेंड ये सिंपली वीडियो को एंड तक लिरिक्स लिख लेना, उसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, 1-2 करके लिख लेना, तो एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, शेयर वाले पे जाते हैं एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आज मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।